कैसे हो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रेनिंग देना कितना ज्यादा आसान है, आप लोग सोच नहीं सकते हो। जो चीज मैं आपको बतलाऊंगा वो चीज जानने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा कि ये हुआ कैसे। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसा सोचते हैं कि ट्रेनिंग देना बहुत ज्यादा हार्ड है, और जब आप अपने डॉग को ट्रेनिंग देते हो तो आप लोग थक जाते हो और फिर आगे आप लोग अपने डॉग को ट्रेनिंग नहीं देते हो। दोस्तों मैंने अपने डॉग को बहुत सारा ट्रेनिंग दिया हुआ है, जैसे कि सिट डाउन, अप, सो जाओ, और उसके साथ में जादू वाला गेम भी खेलता हूँ कि दोनों हाथ में से किसी एक हाथ में कोई चीज़ छिपा लेता हूँ और उसको बोलता हूँ ढूंढने के लिए। ये भी मैंने सिखलाया हुआ है, गोदी आने के लिए यहाँ से जाओ और बार्क करो, बहुत सारा चीज़ मैंने अपने डॉग को सिखलाया हुआ है। और ये चीज़ मैंने कहीं से भी नहीं सीखा है, कहीं से भी नहीं। आप भी अपने डॉग को ये सारा कुछ सिखला सकते हो बिना कुछ सीखे हुए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों चलिए अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो चीज मैं अभी बतलाने वाला हूँ उस चीज को आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों 100 में से कम 80 डॉग ऐसे होते हैं जिनको ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी उसके ओनर गलती से एक चीज उसको सिखला देते हैं, जो चीज मैं आपको बतलाने वाला हूँ। आप लोग ये ध्यान देना कि जब भी आप लोग अपने डॉग को बोलते हो चलो, तो देखना कि वो स्टैंड हो जाएगा और जाने के लिए तैयार हो जाएगा, और इस चीज का आप लोगों ने ट्रेनिंग कभी नहीं दिया है। और दोस्तों आप लोग ये कमेंट करके जरूर बताओ कि जब भी आप अपने डॉग को बोलते हो चलो बाहर घूमने के लिए, तो वो रेडी होता है या फिर नहीं होता है, और आपने कभी इस चीज का ट्रेनिंग दिया है या फिर नहीं दिया है। दोस्तों यहाँ पे एक सीखने वाली चीज ये है कि आप लोगों ने कभी इस चीज का ट्रेनिंग दिया नहीं, फिर भी वो सीख कैसे गया। दोस्तों यहीं पे सबसे मेन चीज आता है। दोस्तों जब भी आप अपने डॉग के साथ ट्रेनिंग देना चाहते हो या फिर ट्रेनिंग नहीं भी देना चाहते हो, तो उसके साथ जब भी आप बात कर रहे हो तो आदमी जैसा बात करो। सपोज डैट कि अभी ये पप्पी है तो कुछ दिन के बाद ये बाइट करना स्टार्ट कर देगा, मेरे हैंड में बाइट करेगा, मेरे कपड़े में बाइट करेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ओनर इरिटेट हो जाते हैं और मुझे बार बार बोलते हैं कि मेरा डॉग बहुत ही ज़्यादा बाइट कर रहा है, मैं क्या करूँ। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। जब भी आपका डॉग आपको बाइट करे तो उसको बोलिए नो, एक डोमिनेटिंग साउंड में। अब जब रुक जाए उसको बोलिए बहुत अच्छा काम किया है तूने काजू, इस टाइप से आप बोलिए, ताकि आपका डॉग समझ जाए कि वो कुछ सही काम किया है। यही चीज़ आपको कंटिन्यू रखना है। जैसे कि आपके हाथ में कुछ खाने के लिए है और आप लोग अपने डॉग को बुला रहे हो, तो उस टाइम पे बहुत सारे टाइप के आवाज़ आप लोग निकालते हो, लेकिन उसी की जगह आप लोग बोलिए कम कम, जैसे कि टॉमी कम टॉमी कम, इस टाइप से आप बोलोगे तो कम वाला जो वर्ड है वो कैच कर लेगा, और जब आप उसको बोलोगे कम तो वो पास आ जाएगा। और इसी टाइप से आप बहुत सारा चीज़ अपने डॉग को सिखला सकते हो, जैसे कि सिट डाउन, यहाँ से जाओ, बहुत सारा चीज़। आप लोग आदमी की तरह ही बात कीजिए अपने डॉग के साथ, और बहुत सारे लोग अपने डॉग के साथ आदमी जैसा ही बात करते हैं, और ये चीज़ देखने के बाद बहुत ही अच्छा फील होता है कि आप लोग डॉग को भी आदमी समझते हो। और यही चीज़ सारे लोगों को भी करना चाहिए, आप लोग अपने डॉग के साथ आदमी के जैसा बात कीजिए, भले वो आपके वर्ड्स को नहीं समझता है लेकिन आपके एक्सप्रेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से कैच कर लेता है। और डॉग्स में ये काबिलियत होता है कि जब भी आप सैड हो, जब भी आप उदास हो या फिर खुश हो या फिर एक्साइटेड हो, तो आपका डॉग उस चीज़ को कैच कर लेता है और उसी की तरह आपके साथ रिएक्ट करेगा। तो आप लोग अपने डॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए, और यही एक छोटा सा टिप्स था जो आप अपने डॉग के साथ ट्रेनिंग दे सकते हो। और बहुत सारा ऐसा भी ट्रेनिंग है जिसमें टिप्स की ज़रूरत होती है, तो उसमें जब भी मैं इसको ट्रेनिंग दूंगा तो आप लोगों को बतला दूंगा। तो यही था हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट जरूर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी तरीके का रेड कलर में आपको नीचे मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने से हमारी आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहेगी, और इस वीडियो को लाइक कर दो, 2000 लाइक्स का एम है। और दोस्तों हम लोग मिलते रहेंगे बहुत सारे वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।